हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो के फ़ोन डायलर के बारे में, कॉन्टैक्ट के बारे में, डायल पैड के बारे में, जिसमें आप लोग अपनी पिक्स वगैरह लगा सकते हैं। और भी काफ़ी एडवांस फीचर्स आप लोग को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक से यहाँ पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस अभी मैं आप लोग को अपना डिफॉल्ट वाला फोन डायल पैड कॉन्टैक्ट फ़ोन के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पर आप लोग को कोई भी पिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता, एकदम सिंपल सा रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लगता है। तो आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोग को एक फ़ोन डायलर को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग फ़ोन डायलर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उससे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या सेटअप फॉलो करना है। तो चलिए मैं यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने फ़ोन डायलर डाउनलोड किया हूँ उसे मैंने यहाँ से ओपन कर लिया हूँ। और मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में यहाँ पे पिक्स वगैरह सेट कर दिया हूँ, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे पिक्स वगैरह मैंने सेट करके रखा हूँ फ़ोन डायलर में कॉन्टैक्ट में। ये आप लोग को पिक वगैरह देखने को मिल रहा होगा। और गाइस यहाँ पे भी आप लोग जैसे कॉन्टैक्ट में भी आप लोग को पिक्स वगैरह देखने को मिलता है। तो आप लोग को सिंपल सा फंडा करना क्या पड़ेगा, आप लोग को इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड थ्री डॉट्स पे आप लोग को क्लिक करना है इसके, और यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है पिक्स वगैरह के बारे में, तो आप लोग को पर्सनलाइज्ड सेटिंग्स पर जाना है। गाइस यहाँ पर आप लोग को डार्क थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। डायल पैड के बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, गैलरी पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। रिस्टोर एंड डिफॉल्ट वाला जो रहता है वो मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में यहाँ पे जो है लगा के रखा हूँ, तो आप लोग रिसेट भी कर सकते हैं। तो गैलरी पे मैं क्लिक करूँगा गाइस, और यहाँ से मैं कोई भी पिक आप लोग को चूज़ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पिक को सेलेक्ट कर लिया हूँ, जो कि आप लोग को मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग किस टाइप से यहाँ पे सेट कर पाएंगे, नहीं तो मुझे कमेंट्स आएगी। तो यहाँ पे जो है इस टाइप की मैंने पिक सेट कर लिया, फिर मैंने इसे ओके कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था बैकग्राउंड पिक्चर इस अपडेट, अपडेट तो हमने कर दिए इसे, आप देखते कि हमारी पिक चेंज हुई या नहीं हुई। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे बैक। तो गाइस ऑलरेडी पहले से ही मैंने चेंज करके रखा था, शायद मैं भूल गया था। तो इस टाइप से आप लोग चेंज कर पाएंगे पिक्स वगैरह, थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करके और बता दूँ आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग कॉल लॉन्ग हो गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट बैकग्राउंड हो गया, ये तीनों बैकग्राउंड वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डार्क थीम भी आप लोग अपने हिसाब सेट कर सकते हैं। बैक करेंगे इससे यहाँ पर आप लोग को और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते। आप लोग अगर एप्लीकेशन यूज़ कर देगा इस, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर सेटअप पूरा कर लीजिएगा, जो कि आप लोग को बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार तो जरूर इस एप्लीकेशन का यूज़ करिए, काफ़ी बेहतरीन आप लोग को फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करना बोले, हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर करने के। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जय माता दी।